हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ योर कैड एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं शाम पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन आप लोगों के लिए डेली लाते रहता हूँ। तो आज भी इस वीडियो में आपको 20x25 का एक प्लान लाया हूँ, जिसमें मैंने 1 BHK सेट किया है एज़ पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये प्लान ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। बस इस वीडियो में आपको इसके कहाँ पे कॉलम आना चाहिए वो शो करके इस वीडियो को जल्दी ख़त्म कर दूंगा मैं। तो चलिए मैं आपको प्लान और उसके कॉलम वगैरह शो कर देता हूँ। प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपका भी कोई पर्सनली प्लान बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट के डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता देता हूँ आने वाले वीडियोज़ में, आपके लिए प्लान बना के मैं शो कर दूँगा। और उसकी क्या चार्जेस वगैरह है आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए आप पहले एक बार प्लान देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसका मेन गेट प्रोवाइड किया है जो 6 फीट का मैंने लिया है, और यहीं पर इसका स्टेयरकेस है जो कंटिन्यूसली फ्लोर फ्लोर कंटिन्यू होगा। और यहाँ मेन एंट्रेंस है डायरेक्टली हॉल में आने के लिए। हॉल आने के बाद मैं यहाँ पर 2 आर्ट्स प्रोवाइड किया मैंने, यहाँ पर किचन का एक है, एक बेडरूम का एक है। और यहाँ पे 3 फीट का पैसेज है, डायरेक्टली आप WC और बाथ सेपरेट सेपरेटली इस तरफ भी जा सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक डक प्रोवाइड किया है जो इस WC के लिए कंपलसरी देना ज़रूरी था, क्योंकि ये पूरी प्लॉट यूज़ है तो कहीं भी सेटबैक नहीं छोड़ दिया गया है, इस वजह से कहीं ना कहीं एक डक लेना ज़रूरी था। और यहीं इसी डक में यहाँ पर इस बेडरूम का यहाँ पर विंडो भी ले लीजिए। तो चलिए मैं आपको कॉलम शो करता हूँ। कॉलम देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड 2 कॉलम लिया है, इसी के लाइन में सेम 2, और बैक साइड भी यहाँ पे 2 और वहाँ पे 2। तो इस प्लान को मैंने 8 कॉलम में सेट किया है। आप चाहे तो इसको 6 कॉलम में भी सेट कर सकते हो। इस कॉलम और इस कॉलम को आप उड़ा कर ये जो कॉलम है ना, ये 4 कॉलम को आप थोड़ा सा स्टील में हैवी ले लीजिए, ताकि ये इतना स्पैन कवर हो सके, क्योंकि इसका जो स्पैन है ये कम है। अब ये ऐड भी कर लेंगे, ये 5 फीट और ये 9 इंच का वॉल ऐड भी कर लेंगे तो भी एक इतना स्पैन आप कवर कर सकते हो, बस आपको कॉलम थोड़ा सा हैवी लेना पड़ेगा स्टील में। तो ये 6 कॉलम में भी सेट हो सकता है, फिर भी मैंने इसको 8 कॉलम शो किया है। आप 8 कॉलम भी लेंगे तो स्टील थोड़ा सा लेस लेके भी आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है आपको, और मैंने काफ़ी सारे प्लान्स वगैरह बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अगर आपका भी कोई भी प्लॉट हो कोई भी साइज़ का, तो काफ़ी सारे मैंने प्लॉट के हिसाब से प्लान बनाया है, कोई ना कोई प्लान आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लान और कॉलम लोकेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया है अगर वो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को जिसका नाम है टू कैड एंड कंस्ट्रक्शन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। तो चलिए, खुदा हाफिज़।